सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। केजरीवाल की पत्नी मीडिया से बात करेंगी। सुनीता केजरीवाल जो खुद भी रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इससे पहले दिल्ली और पंजाब के तमाम आम आदमी पार्टी विधायकों ने, विधानसभा अध्यक्षों ने उनसे मुलाकात की थी और ये भरोसा दिलाया था कि पूरी आम आदमी पार्टी एक एक नेता उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से हुई है, उनके साथ है। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। देखना है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। दोपहर 12 बजे मीडिया से बात करेंगी सुनीता केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्हें ईडी ने अरेस्ट किया और उसके बाद उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, कुछ जानकारी मिल रही है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में होगी? जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरों ने आरोप लगाया कि शरद चंद्र रेड्डी के जरिए किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को चंदा दिया गया, ये तमाम मुद्दे निकल के सामने आए हैं। और बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से गलत है। यही वजह है कि अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बताएंगी कि किस तरीके से साजिश के तहत उनके पति को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन्होंने कल ट्वीट करके भी इस बात को उठाया था कि तीन बार दिल्ली की जनता ने जिससे मुख्यमंत्री चुना, आज उस मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है और उसके खिलाफ फर्जी केस बना रही जी। बदाम, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। Z News.